हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं सिम कार्ड लॉक के बारे में, जैसे कि हम इस सेटिंग को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये रियलमी का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, इस वाले ऑप्शन पर जाना है और आपको इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है सिम कार्ड लॉक, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो हो जाएगा और यहाँ पे आपको सिम कार्ड लॉक को ऑन कर देना है। ऑन करते जो भी आप यहाँ पर लॉक लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, और आपका जैसे ही लॉक लग जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंज सिम पिन, यानी कि अपने सिम के पिन को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। और फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो एक और तरीका है, उसके बारे में बताऊँगा। सबसे पहले आपको सेटिंग पे जाना है और यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पे जाना है और आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है सिम कार्ड लॉक, यहाँ पर शो हो जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। और फ्रेंड्स, देख सकते हैं इसमें और भी सेटिंग है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्मार्ट लॉक है, तो स्मार्ट लॉक को आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पहले आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना होगा, पासवर्ड डालते ही आपको इस तरीके से ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन बॉडी डिटेक्शन, तो इसे भी आप ऑन करके कनेक्ट कर सकते हैं, अपने बॉडी से यूज़ कर सकते हैं और इन दोनों को भी यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।